सरकार सपोर्ट नहीं करदियां, ये तो वधिया मैं भी पुक्की अफीम ये चीज़ा बेचनिया शुरू कर देनिया। अजकल अनपढ़ MLA लगे हुए ने, अभी धक्के खा रहे हैं। हूँ देखना गेम चढ़ के अपना जरा सर से कर्जा मैं वो लाऊंगा, ये जड़ी बच्चे ट्रेनिंग दे रहा हूँ कंटिन्यू। जरूरी फिर पैसा गेम से लाना, अपनी फिजिकल फिटनेस रखा। हिस्ट्री एशिया का दूजा मेडल है कराटे की, पैरा कराटे हिस्ट्री की। आज धक्के खा रहे हैं, बसा जा रहे हैं, कर्जा लैके खेड जा रहे हैं, लैन तक कोई नहीं आता। सर अज के टाइम फेसबुक हर एक कोई चलाता है, सबनों पता है, लेकिन उड़े कोई नहीं आया। कोई MLA नहीं, कोई MP नहीं, सब बस कह दी गल। पता की सर, गरीब फैमिली से बिलोंग करता, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, या मैं किसी बड़े बाप की औलाद नहीं है ना। लास्ट मैन ला इंडिया ले, ये तो बाद तरुण शर्मा ने संन्यास ले लिया। पहले लास्ट टाइम मेरा सिल्वर मैडल थी एशिया के बिचों, तो आ दूजा मैडल है एशिया के बिचों, तो इस तो पहले मैं इंटरनेशनल 15 वाले खेड चुके हैं जितने मैडल। मलेशिया दे विच भारत दे लई कांसी दा तगमा जित के अपने शहर खन्ना परते इस खिडारी ने हुण निराश होके खेडां तों संन्यास लैण दा ऐलान कर दिता है। जानकारी मुताबिक पैरा कराटे दे विच खिडारी तरुण शर्मा ने भारत देश दा नाम उच्चा कीता है ते कांसी दा तगमा हासिल कीता है, पर खिडारी दा कहना है कि उसनूं एयरपोर्ट ते लैण वास्ते कोई भी नहीं आया ते उसदा कोई भी स्वागत नहीं कीता गया, जिस तों निराश होके हुण तरुण शर्मा ने खेडां तों संन्यास लैण दा ऐलान कर दिता। दस दईए कि 21 तो 23 जुलाई तक हुई दूजी एशियन कराटे चैंपियनशिप दे विच भारत दे वल्लों तरुण शर्मा ने हिस्सा लिया सी। इस चैंपियनशिप दे विच 43 देशों दे पैरा खिडारी पहुंचे सन अते भारत तो 2 ही खिडारी गए सन। अपने देश दे लई तगमा हासिल करके तरुण शर्मा ने ख्वाब वेख्या सी कि देश पहुंचन ते उसका निघा स्वागत किया जाएगा, पर उसनूं दिल्ली तो पंजाब भी सरकारी बस ते आना पिया, जिस कारण तरुण शर्मा दा हिरदा वलुंदरिया गया। एडी वड्डी कामयाबी हासिल करन तो बाद भी जब सरकार दे वल्लों सम्मान ना मिलिया तां तरुण शर्मा दा निराशाजनक होके की कहना सी तुहानूं सुनाउने आ। मलेशिया के सैकेंड पैरा एशियन कराटे चैंपियनशिप हुई थी, जिदे विच मैं पंजाब वल्लों सिलेक्ट होके कल्ला ही खेडण गया सीगा, ते उत्थे 43 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, जिदे विच मैं अपने देश वल्लों खेडदे अज तीजा स्थान हासिल किया इंडिया वल्लों। पैरा कराटे ईवेंट सीगा उत्ते, ते एशिया चो असी 2 सीगे, एक दिल्ली तो एक मैं, उत्ते 43 कंट्रिया के प्लेयर आए सीगे, जिन्हां चो इंडिया चो मैं सीगा ते एक मेरे नाल ब्लाइंड कैटेगरी का सीगा। पहले लास्ट टाइम मेरा सिल्वर मैडल थी एशिया के बिचों, तो आ दूजा मैडल है एशिया के बिचों, तो इस तो पहले मैं इंटरनेशनल 15 वाले खेड चुके हैं जितने मैडल। सर अज के टाइम फेसबुक हर एक कोई चलाता है, सबनों पता है, लेकिन उड़े कोई नहीं आया। तुहाडे अगे आ ग्राउंड फ्लोर की रियलिटी दिखा रहे हैं, कोई MLA नहीं, कोई MP नहीं, सब बस कह दी गल्लां ने। सिर्फ मेरी टीम का शुक्रिया, आ टीम के प्लेयर्स ने जिन्होंने मेरा स्वागत किया, मनप्रीत भाजी ने, वरुण जोशी है, अपने आप प्लेयर्स ने जिन्होंने। पता की सर, गरीब फैमिली से बिलोंग करता, कोई फाइनैंशियली सपोर्ट नहीं है, या मैं किसी बड़े बाप की औलाद नहीं है ना, तो करके मजबूरी मैंने बस जाना पै रहा। अगे गेम छड़नी पैनी है जी, लास्ट मैन ला इंडिया ले, ये तो बाद तरुण शर्मा ने संन्यास ले लिया। कारण सपोर्ट नहीं है जी, सरकार सपोर्ट नहीं करदियाँ, ये तो वधिया मैं भी पुक्की अफीम ये चीज़ा बेचनिया शुरू कर देनिया, शराब बेचनी शुरू कर देनी है। अजकल अनपढ़ MLA लगे हुए ने, असी धक्के खा रहे हैं। देखो जी, हूँ तो गेम छड़ के मैं दिहाड़ी दप्पा जरा रैगूलर कर रहा उही करूँगा, क्योंकि उम्मीद छड़ चुके हैं, और तुहाडे अगे ही है तुहाडे अगे ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा, तुहाडे अगे मैं बस तो उतरिया, ईवन मैनूं पिक करन कोई नहीं आया। ये सरकारां ने तुहाडे अगे हूँ देखदा गेम छड़ के अपना जरा सिर ते कर्जा मैं वो लाऊँगा, तो जी बच्चे ट्रेनिंग दे रहा हूँ कंटिन्यू उठती हूँ। 12 लाख रुपये मेरा घर गिर भी पाया, हूँ भी जाना सीगा, 1 लाख रुपया किसी तो मंग के गया, मंग यही करते हैं जे कुछ नहीं करके देना तो सानू दस दिन कोरा जवाब दे देना भी तुहाडे हाथ च कुछ नहीं है, अभी गेमां छड्ड दईए। जरूरी फिर पैसा गेमां ते लाना, अपनी फिजिकल फिटनेस रखांगे। कल्ला मैं नहीं वीरे, देखते आ नौजवान खड़े ने, जे अज मेरा कुछ होगा तो इन्हां दा होगा, तां चार नाल जुड़नगे।
ਟਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਪਾ ਝੋਨਾ ਬੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 400 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਰਸਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਡਲ ਹੈ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਪੈਰਾ ਕਰਾਟੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਆਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਤਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਮਨ ਰੋਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ